jump. नमस्कार, आप सबका स्वागत है। आखिरकार दुनिया का सबसे बड़ा प्लेन स्ट्रैटोलॉन अपनी पहली ऐतिहासिक उड़ान के करीब पहुंच गया है। हाल ही में स्ट्रैटोलॉन अपनी ही ऊर्जा की मदद से पहली बार रनवे तक पहुंचा। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के सह संस्थापक पॉल एलन ने इस वर्ष जून में यह प्लेन दुनिया का सामने पेश किया था। एलन की एरोस्पेस कंपनी स्ट्रैटोलॉन्च सिस्टम्स ने ही इस विमान को बनाया है। स्ट्रैटोलॉन्च एक एयरक्राफ्ट है जिसे दो हिस्सों में बंटे एयरक्राफ्ट की बॉडी के बीच रॉकेट ले जाने के लिहाज से डिजाइन किया गया है। 2011 में शुरुआती तौर पर इसकी अनुमानित लागत $300 मिलियन बताई गई थी। कैलिफोर्निया के मोजेव में मौजूद हैंगर में ये प्लेन एयरक्राफ्ट पहली बार नजर आया, जिसके विंग फुटबॉल के मैदान से भी बड़े हैं। 28 पहियों वाले इस प्लेन में 6 इंजन लगे हैं, जो सभी 747 एयरक्राफ्ट के हैं। 2 कॉकपिट वाले इस प्लेन की ऊंचाई 50 फीट है। वेबसाइट पॉपुलर मैगजीन के मुताबिक इसका विंग स्पैन अब तक के किसी भी एयरक्राफ्ट से लंबा है, जो करीब 385 फीट तक फैला है। मैगजीन के मुताबिक प्लेन होवर्ड यूजेस के H4 हरक्यूलिस और सोवियन दौर के कार्गो प्लेन इंडोनोवियन 225 से भी बड़ा होगा। इससे एयरक्राफ्ट का वजन 2.25 लाख किलो है। इसे 1.3 मिलियन पाउंड तक वजन के साथ उड़ान भरने के लिहाज से तैयार किया गया है। इससे एयरक्राफ्ट का डिजाइन ऐसे तैयार किया गया है कि जो दो हिस्सों में बंटी अपनी बॉडी के बीच रॉकेट ले जाने में सक्षम है। इससे स्पेस में छोटी सैटेलाइट लॉन्च करने की तैयारी है। इसके लिए प्लेन बनाने वाली फर्म ने एरोस्पेस एंड डिफेंस फर्म ऑर्बिटल एटके के साथ पिछले साल डील साइन की है। ये प्लेन एक ऊंचाई पर पहुंचने के बाद लॉन्च व्हीकल गिराएगा, जो अपने बूस्टर फायर कर हवा से ही स्पेस में सैटेलाइट लॉन्च करेंगे। ये तरीका काफी सस्ता, सटीक और तेज रफ्तार साबित होगा। अब तक पारंपरिक तौर पर सैटेलाइट लॉन्चिंग पैड से लॉन्च किए जाते हैं, जिसमें काफी मात्रा में फ्यूल लगता है।